हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर और स्वस्थ हो गए। चलो आज हम लोग पढ़ रहे क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि इस बार सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछ रही है वो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है। तो यहाँ पर जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं होगा तब तक आप इस कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो स्टूडेंट चलिए आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और एक एक प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां जान लीजिए कि यह जो है आपका y डैश एंड y, ये y एक्सिस है और यह जो लाइन है इसे हम लोग x एक्सिस कहते हैं, x कोऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है। और यह हो गया y एक्सिस हो गई, ठीक है। और दोनों पॉइंट जहां x एक्सिस और y एक्सिस जहां पर कट करता है उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, और वो ओरिजिन पॉइंट हमेशा यहाँ पर जीरो और जीरो होता है नंबर सिस्टम में, नंबर में सॉरी। अब यहां पर देखिए इस पार्ट में एक्स जीरो वाई, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए वाई ओ एक्स डैश को कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसी तरह से यहां पर देखिए y डैश ओ x डैश को थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। उसी तरह से x ओ y डैश को कहेंगे फोर क्वाड्रेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। अब यहां पर ध्यान दोगे कि यह जो है ओ x जो है x एक्सिस में अगर जा रहा है तो यह पॉइंट जो है सारे जो डिस्टेंस पॉइंट होंगे वह x एक्सिस पे जा रहा है, तो x का हमारा पॉजिटिव होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 सेम डिस्टेंस ग्राफ में इसको बनाया जाता है, इसको देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सेम डिस्टेंस में हमने आगे बढ़ के लिख दिया। ये जितने पॉइंट एक्स एक्सिस में जाइएगा सभी पॉइंट आपको प्लस में मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से ओरिजिन से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाइएगा वाई एक्सिस की ओर जाइएगा तो सारा डिस्टेंस जो अभी डिस्टेंस आपको मिल रहा है वह डिस्टेंस आप सभी का पॉजिटिव में होगा। किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा। तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आपका प्लस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस है दोनों हमें क्या मिलेगा? प्लस में मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात अगर हम बात करें तो एक्स ओरिजिन से एक्स डैश की ओर जैसे आप बढ़ेंगे यह डिस्टेंस आपको माइनस में करेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और ओरिजिन से अगर इधर आइएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। और याद रखिएगा सारा डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से मेजरमेंट करते हैं। कहां से करते हैं बच्चों? ओरिजिन से करते हैं। तो यह पॉइंट जितना होगा सब माइनस में होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो यह जो पॉइंट है एक्स एक्सिस जो है वो माइनस में है तो ये हो गया माइनस, और वाई एक्सिस जो है ये हो गया प्लस, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस है माइनस में, यहां देखो एक्स एक्सिस है माइनस में वाई एक्सिस भी है माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप बात करोगे तो एक्स एक्सिस है आपका प्लस में वाई एक्सिस है आपका माइनस में, ठीक है। ये पॉइंट जो देख रहे हो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, याद रखोगे। इसी से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कहां प्लस और माइनस होगा। इस बार बेसिक कॉन्सेप्ट जो सैंपल पेपर सिले से निकाली है इसी बेस पर निकाला है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक। अब यहां पर एक पॉइंट आप याद रखोगे कि यह जो है फर्स्ट, जैसे मान लो कोई नंबर हम ले लेते हैं और वह नंबर है 3 और -4। मैंने एक नंबर लिया है रेंडमली, एक नंबर ले लिया 3 और -1। यह नंबर जो है फर्स्ट वाला जो रिप्रेजेंट करेगा बाबू वो एक्स एक्सिस करेगा, और माइनस वाई जो प्रेजेंट करेगा यहां पर 4 है तो ये सेकंड वाला जो है वो वाई एक्सिस के करोगे। अब इसी को पॉइंट को हमको रिप्रेजेंट इसमें करना है, एक्स का वैल्यू क्या है प्लस में, तो ये बाबू एक्स का हो गया प्लस में 3, वाई का वैल्यू क्या है -4, वाई एक्सिस ये होता है -4 आपका ये हो गया। अब स्केल से इसको क्या करो डॉट डॉट करके इस पॉइंट को, और इस पॉइंट पे जहां पर मिड पॉइंट होगा ये दोनों लाइनें जहां पर मिलेगी एक दूसरे को आपस में वही पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। और ये मान लो पॉइंट 3 और -4, तो ये 3 और -4 किस क्वाड्रेंट में हुआ? फोर क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर हम एक दूसरा पॉइंट को ले लो, मान लो हमने 5 लिया और दूसरा 4 ले लिया, ठीक है।
अब ये मेरा एक पॉइंट है, इसको कोऑर्डिनेट को यहां रिप्रेजेंट करना अगर हो तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू के एक्स का वैल्यू कितना है बाबू, वो 5 है, एक्स का वैल्यू 5 ले लिए। अब वाई का वैल्यू कितना है, 4 है, ये पॉइंट है। अब ये 5 और ये 4, ये तो देख रहे हो ना, ये दोनों को लाइन नहीं खींचोगे, यहां पर लीनियर इक्वेशन नहीं है, कोऑर्डिनेट पॉइंट रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर पॉइंट जो है वो मेरा ए माने है, और ये 5 और 4 दोनों देखो, 5 और 4 दोनों पॉजिटिव में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गए। अगला पॉइंट हम लेते हैं, मान लो बी एक पॉइंट है, -3 है और 2 है। अब यहां देखो x का वैल्यू -3 है तो x का वैल्यू -3 हो गया, y का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ठीक है, पॉइंट को मिला दो, जहां पर मिड पॉइंट होगा बी, वह पॉइंट हो जाएगा -3 और 2। देखो माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में, अब मान लो मेरे पास एक नंबर है -3 और -4, एक्स का वैल्यू -3 यानी यहां हो गया, वाई का वैल्यू -4 ये हो गया। अब ये 3 और -4 को मिला दो, जिस पॉइंट पर मिलता है यह पॉइंट जो होगा -3 और -4, यानी सबसे बड़ी बात यह है, सारा डिस्टेंस आपने देखा कहां से मेजरमेंट कर रहे हैं और जिन से मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना है, इसको हम रफ कर ले। चलिए बच्चों, तो अभी आप लोगों को मजा आएगा क्योंकि बहुत अच्छी तरह से इस चैनल पे आपको सारा चीज पढ़ाया जा रहा है। तो देखो आप पॉइंट्स, हम लोग का एक डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि बेसिक चीजों को कल बता दे रहा हूं मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, प्री बोर्ड भी आपका स्टार्ट होने वाले हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे मान लो पॉइंट x1 और y1 और बी दूसरा पॉइंट है x2 y2, इसका डिस्टेंस अगर निकालना होता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकालेंगे तो लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए ये क्या कह रहा है कि अगर इसको ग्राफ में अगर देखना चाहोगे तो ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये x एक्सिस है, x डैश है, y है, y डैश है, और कटिंग पॉइंट जो होगा जहां मिड पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है। x1 और y1 का भी पॉइंट मेरा कहां दिया हुआ है भाई, जो मान लो x1 और y1 ये है, ये पॉइंट मान लो x2 और y2 है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। इसका फॉर्मूला ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अंडर। एक बात ध्यान रखोगे, सारा जो डिस्टेंस हमने मेजरमेंट किया कहां से किया था, वो सारे डिस्टेंस ऑरिजिन से किए थे, ये बात को हमेशा याद रखोगे, यही पे बच्चे गलती करते हैं। तो चलो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद रखना। अब चले हम क्वेश्चन की ओर, मेरे पास एक क्वेश्चन है बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि पी ए बी और क्यू ए बी, देखो एक पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट है ए और बी, और क्यू एक कोऑर्डिनेट है -b और a, हमें बोल रहा है पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो देखो बहुत ही आसान है, यहाँ पी क्यू बराबर आप लिखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया स्क्वायर रूट। अब देखो x2 कौन सा है, ये मेरा x2 है, -b हो गया, x1 क्या है, ये -a है का होल स्क्वायर हो गया, फिर बीच में प्लस साइन होगा। y2 का वैल्यू क्या है मेरे पास, y2 का वैल्यू ये है a और y1 का वैल्यू है b। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो होगा वो आपका रिजल्ट होगा स्क्वायर रूट। यहां से अगर आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, नहीं तो पूरे को इसको मान लो -b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 into a into -b प्लस, अब इसका स्क्वायरिंग करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर से आप देखो ये स्क्वायर रूट हो गए, b का माइनस स्क्वायर करोगे तो बाबू b स्क्वायर हो गया प्लस a स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस 2ab क्या हो जाएगा, 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहां पर से अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो ये और ए स्क्वायर दो ठो है, और यहां b और b स्क्वायर भी 2 है,
तो टू कॉमन निकाल दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर रूट आएगा। देख लो सब मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करके देख लीजिए। अब इसका फॉर्मूला हो गया, ये टू लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है। अब यहां पर आ जाएगा रूट टू अपनी जगह, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ए माइनस बी इसका आंसर होगा। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डिटरमाइन इन द पॉइंट 1523 माइनस टू माइनस वन आर कॉलिनियर। कॉलिनियर के लिए क्या बातें हैं ये हमें जानना बेहद जरूरी। चलिए हो गया, इसको रफ कर ले। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है वो है मेरा ए 1 5, ठीक है। बी एक पॉइंट है वो 2 और 3 है, और एक सी कोई पॉइंट है वो मेरे पास -2 -1, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, ये बोल रहा है कॉलिनियर है क्या। कॉलिनियर के लिए क्या कंडीशन होता है कि सभी जो है पॉइंट जो है ए बी सी जो भी पॉइंट है एक ही लाइन पे होना चाहिए। अगर एक लाइन पर अगर हो गया तो कॉलिनियर होगा। इसके लिए क्या कंडीशन है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर यह कंडीशन आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अगर आप ये कंडीशन प्रूव कर दो कि ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी का, तब ये कहोगे कि ये तीनों जो पॉइंट आपको देख रहे थे वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर में। तो हमें ये कंडीशन को प्रूफ करना होगा, ये कंडीशन प्रूफ होता है तो हम कह सकते हैं कि तीनों कॉलिनियर है। तो चलो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकालते हैं। यहां पर जो पॉइंट को यहां लिख देते हैं 1 5 है, या पॉइंट 2 3 है, या पॉइंट -2 -1 है, ठीक है। नहीं, यहां तक क्लियर है हमारा। अब अगर आप देखोगे तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे तो ए बी है 2 -1 का होल स्क्वायर, 2 -1 का होल स्क्वायर, ये निकालोगे तो 3 -5 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्यूशन करोगे तो 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, और 3 में से 2 गया तो -2 का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्यूशन करके आगे जैसे ही बढ़ोगे ये 1 हो गया, 2 2 जा 4, और इसे सॉल्यूशन करोगे तो रूट अंडर 5 निकलेगा ए बी का वैल्यू। उसी तरह से आप बी सी निकालोगे तो बी सी के लिए यहाँ डिस्ट है -2 -2। देखो यहाँ पर -2 और फॉर्मूला में होता है -2 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो -1 है, -1 -3 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करोगे --+ तो -2 2 जा 4, और यहाँ भी -4 का होल स्क्वायर। देखो -+ होता है 3 और 1 4 हो गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 32 होगा, 32 को आप करोगे तो 4√2 होगा, क्योंकि 4 चौके 16 16 दूनी 32, ये भी निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है। आप जैसे भी सॉल्व करो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, एसी निकालना है, एसी मतलब इसके बीच में। तो यहाँ पर नंबर जो है वो मेरा क्या दिया हुआ है, -2, और यहाँ पर 1 है, -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 दिया हुआ है, और ये वैल्यू -5 दिया हुआ है होल स्क्वायर। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो -2 -1 यानी -3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -6 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करो तो 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9, और ये हो गया 36, और रूट अंडर जो हो गया ये हो गया 45√। अब आप किसी तरह से अगर आप सॉल्व करो, यहाँ देखो 5 है तो 3√5 आ रहा है, ठीक है, 3 3 9 5 45, ये होगा इसका रूट। अब देखो क्या ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के बराबर है, ये ए सी कितना है 3√5 है, और ए बी का वैल्यू कितना निकला है, √5 निकला है, और इसका निकल रहा है 4√2, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे ए बी सी आर नॉट कॉलिनियर, ये दोनों पॉइंट जो है वो कॉलिनियर नहीं है, क्लियर बात, ये कॉलिनियर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। बी सी माइनस बी सी -2 -2 2 4 4 16 और 3 -2, ठीक। चलिए अब इसको हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्लास 10 के लिए स्पेशल जो है और खास करके जो है एनसीईआरटी घर चैनल को बनाया है, जो आपके लिए काफी मददगार होगा। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पे लगा हुआ है और बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, आप देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द डिस्टेंस पी एक्स फ्रॉम द ए एंड बी आर इक्वल, प्रूफ करना है 3x = 2y होगा, 3x = 2y होगा। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम समझते हैं क्वेश्चन किस प्रकार दिया हुआ है। या हमारे पास एक पॉइंट है, वो पॉइंट मेरा है 5 1, और दूसरा जो पॉइंट है वो -1 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, दो पॉइंट हो गया। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है जिसका वैल्यू पी एक्स दिया हुआ है। अब ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर, यानी एपी जितना बड़ा डिस्टेंस है उतना बड़ा बीपी है, दोनों बराबर है। ये दोनों डिस्टेंस आपका बराबर है, तो आप सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, पहले एपी लगाएंगे, एपी का वैल्यू। ठीक है, एपी के लिए आप यहां पर देख रहे हैं एक्स है, एपी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहां पर हो गया वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एपी निकल गया। अब बीपी का स्क्वायर कर लो, बीपी स्क्वायर, ठीक है, बीपी स्क्वायर निकालोगे तो हो जाएगा आपका -1 और -x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो है ए डिस्टेंस जो है एपी स्क्वायर का डिस्टेंस जो है वो बीपी डिस्टेंस का स्क्वायर के बराबर है, यानी एपी जो बराबर है बीपी का। अब ये फॉर्मूला वाला जो आप सॉल्व किए हो एपी की जगह पर पुट कर दो, ठीक है, ये आपस में बराबर है। अब चाहो तो ऐसे करके सॉल्व जैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये हो गया वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां लिखोगे -1 और ये एक्स का होल स्क्वायर 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 5 × 10 इधर सॉल्व करोगे वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इधर सॉल्यूशन करोगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 × यहां पर लिखेंगे हम लोग 2 − 1 × x। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां सॉल्व करोगे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, y स्क्वायर अब 5 × 10y। अब इसी को सॉल्व करके ये हमको ली आना ये पार्ट। तो ये कैसे सॉल्यूशन करने के लिए देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 1 का माइनस 1 का स्क्वायर करो तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 और ये 1 भी कट गया। अब देखो यहाँ पर 25 प्लस में है, यहाँ भी 25 प्लस में, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ y स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ भी y स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास अब क्या क्या बचा है उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 10x बचा हुआ है, यहाँ पर 2y LHS में, RHS की तरफ देखो माइनस माइनस प्लस है तो प्लस 2x हो गया, और माइनस 10y बचा हुआ था वो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद आप अगर चाहो तो यहाँ सॉल्यूशन देखो, ये देखो ये पार्ट जो है यहाँ पर जो नंबर देख रहे हैं उसको इधर भेज दो, ये हो गया माइनस 10x माइनस 2x बराबर माइनस 10y, और उधर चला गया तो ये प्लस 2y हो गया। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा जब इंटरचेंज होगा, एक दूसरे का अगल बगल जाएगा, तो लेफ्ट RHS LHS की और LHS से RHS की ओर, ये हो गया प्लस 12x और यहाँ हो गया माइनस 8y। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिलेशन हो गया, प्लस में हो गया। अब देखो यहाँ 4 का टेबल से काटो, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, यहाँ पर आपका रिजल्ट जो आ गया, जो मुझे प्रूफ करना था 3x = 2y आपके रिजल्ट में है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने इतना क्वेश्चन देखा है, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अच्छी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं ले देता हूँ जो मैंने निकाला है, सेक्शन फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और इंट्रोडक्शन एक सेक्शन फार्मूला का भी कर देता हूँ।
वीडियो के साथ बने रहे, शेयर करो यार, फालतू का वीडियो बहुत देखते हो, शेयर करते हो, एजुकेशन का वीडियो भी शेयर करो, जहां एजुकेशन फ्री आपको मिल रहा है, जहां एक पैसे भी आपको खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं। यहां पर बेसिक चीजों के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा चैप्टर में बता रहा हूँ स्टूडेंट, और हर एक क्वेश्चन जो है, जो जान है, जिसमें अभी आपके आने वाले हैं, उस सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ मिले। सो गाइज, आप सेक्शन फार्मूला के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कर दूं, इसको मैं रफ कर सकता हूं अब, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या देख लिया, आप अपने से भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन फार्मूला हम समझते हैं। सेक्शन फार्मूला में अगर आप बात करोगे, देखो सेक्शन फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला को कंटिन्यू करते हैं। मान लो कि ये कोऑर्डिनेट है वो P है, ये X1 और Y1 है, और यहाँ पर Q पॉइंट है वो X2 और Y2 पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है R, वो X और Y को, यानी P और Q, जो ये लाइन जो देख रहे थे, इस लाइन को मान लो M रेशियो N में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड किया, ये रेशियो जो है वो m रेशियो n में किया है। तो x का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट निकालने का, जिस पॉइंट से ये डिवाइड हो गया है उसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला m x2, ध्यान दो m x2 बीच में प्लस, उसके बाद n x1, n x1 बटे ये m प्लस n, ये होता है x निकालने के लिए, ठीक है। उसी तरह से अगर y निकालना चाहोगे तो बहुत आसानी से निकालो, m, देखो अब ये y निकाल रहे, तो m y2, m y2 प्लस n y1, n y1 डिवाइड m प्लस n, एक ये भी फॉर्मूला हो गया। तो देख लिया ना, ये सेक्शन फॉर्मूला है, इसी से हम लोग काफी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी बाद आपको एक और बता दूं, मिड पॉइंट निकालने के लिए, मिड पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट, ज्योमेट्री का मिड पॉइंट नहीं बोल रहा, कोऑर्डिनेट का बोल रहा हूं। जैसे मान लो एक कोऑर्डिनेट यहाँ P है, X1 है और Y1 है, और यहाँ Q है, X2 Y2 है, और यहाँ कोऑर्डिनेट R है, तो इसका कोऑर्डिनेट, R का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट अगर हो तो X इक्वल टू X1 प्लस X2 बटे 2, और y का निकालोगे तो y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो इस तरह से आप सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट, यहां तक मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, और अगला जो वीडियो आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, फिर आएगा, जिसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश किया जाएगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। के लिए एस मलिक जीएस सेंटर को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ चैनल सब्सक्राइब दिया हुआ है लिंक, और पढ़ाई अगर करना है पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एनसीईआरटी घर से बेहतर कहीं नहीं, जो काफी इजी तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पे आपका लगा हुआ है और बोर्ड पर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर वेयर D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होने के बावजूद भी कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं दिया है, तो इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ध्यान दीजिए और किस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स, अच्छा वहां नजर नहीं आएगा ना, थोड़ा सा गड़बड़ है, लाइट स्क्रीन ज्यादा हो गया है, अच्छा। तो यहां पर आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स, ये ओरिजिन पॉइंट है, वाई एक्सिस यहां पर हो गया आपका, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन होने के कारण से यह पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा, सारा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो एंड जीरो। अब उसके बाद हमारा जो पॉइंट होगा, इसको ध्यान से देखिए, मान लीजिए यह पॉइंट यहां पर आपका ए है, ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है, और उसे आप मान लो अल्फा एंड बीटा इसका कोऑर्डिनेट है, मालूम नहीं हमको तो हम ऐसा रख सकते हैं, और एक पॉइंट यहां मान लो वो है सी, ठीक है,
और यह डिस्टेंस मान लो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस जो है यहां से यहां की दूरी ए है, और चूंकि ओरिजिन जीरो है तो ये जीरो हो गया। अब इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहां पर पॉइंट जो है वह मान लो बी है, और यह पॉइंट जो दिया हुआ है वो मेरा वाई, आपको कल ही बताया था कि ओरिजिन से साइड जाएगा तो माइनस में होता है माइनस ए जीरो। ये सब कोऑर्डिनेट अब हमें फाइंड आउट हो चुका है, तो अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से इन ए और सी को मिला दीजिए और देखिए ट्राइंगल इस तरह से बन गया ए बी सी, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। फिगर उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कल ही मैंने बताया था और आप पढ़ चुके हो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ये हो गया ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। इन अगर हम लोग एक्स एक्सिस की ओर अगर पॉइंट को ओरिजिन से सारा मेजरमेंट करते हैं, अगर इधर जाते हैं तो सारा वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, ठीक है। और मैंने कल बताया था इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग इसको आगे अगर पढ़ाते हैं, कंटिन्यू इसको अगर हम लोग करते हैं, तो इसमें हमने पढ़ा था कि प्लस और प्लस कोऑर्डिनेट होता है, इसमें आप जानते हो प्लस और माइनस होता है, और इसमें माइनस और प्लस कोऑर्डिनेट होगा, और इस नंबर में जो फोर क्वाड्रेंट में आओगे तो माइनस एंड माइनस आपको देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों अब इसको आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहां पर हमें क्या डिस्टेंस निकालना है, ए बी स्क्वायर। ए और बी का डिस्टेंस आप पहले निकाल लो, ए और बी का डिस्टेंस, तो ए बी स्क्वायर दूसरा नंबर सॉल्यूशन चल रहा है। ए बी का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से अल्फा यानी एक्स टू माइनस वन, अगर इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर। अब इसे देखो ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू इंटू अल्फा और इंटू ए लिखा जाएगा, यहां पर आप बीटा स्क्वायर रख सकते हो। ये मिल गया हमको ए बी स्क्वायर का वैल्यू, क्या नहीं मिल गया अभी हम लोग ए बी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। अब उसी तरह से हमको ए सी का निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी से निकाल लो इसको पहले। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप इसे सॉल्व करोगे अल्फा माइनस ए, अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर और बीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। ओरिजिन में जीरो दिया हुआ है, वहां पर इसका कोऑर्डिनेट जीरो है। अब ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा, आप बीटा हम लिख दिया है लेकिन यहां पर आपका ए कोऑर्डिनेट दिया है तो आप ए लिखोगे प्लस बीटा स्क्वायर। अब इस सभी क्वेश्चन को अगर आप देख लो तो यहां पर इन दोनों को पहले जोड़ना होगा। एलएचएस में आपका क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ए बी का जो भी आपने फाइंड आउट किया है यहां पर आप इसको लिखो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू अल्फा ए प्लस बीटा स्क्वायर, ये अपनी जगह पर। और ए सी का वैल्यू आपने जो फाइंड आउट किया है वो भी आप यहां पर लिख लो, ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा ए प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहां देखो प्लस माइनस अल्फा ए या टू अल्फा ए कट रहा है ना, दोनों कट गया। अब यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो एक अल्फा यहां और एक अल्फा यहां है, इन दोनों को सम करोगे तो टू अल्फा स्क्वायर और ए स्क्वायर इसको जोड़ोगे तो टू ए स्क्वायर मिलेगा और टू बीटा स्क्वायर। इसे और आगे सॉल्यूशन करोगे तो दो कॉमन निकल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, किसका इक्वेशन मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का आपका निकल चुका है, एलएचएस आपका निकल चुका है। अब इसी तरह से आप आरएचएस को निकालिएगा, पहले आप क्या करेंगे ए और डी का कोऑर्डिनेट निकालोगे प्लस बी और डी का कोऑर्डिनेट निकालोगे, ठीक है। तो ये ए और डी का कोऑर्डिनेट हमें कैसे निकलेगा पूरी तरह से हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसमें हम लोगों को आरएचएस टर्म में हमारा क्या है, यहां आप लिखोगे नो क्या है टू इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हमें अभी निकालना है।
तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आपको निकालना है। तो यहां से आप डिस्टेंस फॉर्मूला, ये ऑरिजिन हमने यहां जो लिखा है उसका कोऑर्डिनेट आप डी रख सकते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट डी ही होगा। अब ए से डी का डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल दियो, ठीक है, यहां पर स्पेस नहीं है तो हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इस जगह पर हम चले आते हैं, ठीक है। अब AD का डिस्टेंस निकालोगे तो AD का स्क्वायर अगर करते हैं तो अल्फा माइनस जीरो का होल स्क्वायर और बीटा प्लस बीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको मिलेगा AD स्क्वायर का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, BD का। BD है आपका यहां पर, देखिएगा BD है ये, तो बी डी स्क्वायर अगर आप निकालते हो तो बी डी का स्क्वायर निकालोगे तो ए माइनस, देखो माइनस ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर और जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा इस साइड में। अब इसे सॉल्यूशन करोगे तो ये खत्म है कहानी, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर और आपका मिल गया बी डी स्क्वायर। अब आप देखो आपको यहां पर आ रहा है, चश्मे देख रहे हो, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है, यानी AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आपको निकालना होगा सम करके। AD स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और BD का फाइंड आपने किया है A स्क्वायर, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ से देखो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है तो मैं भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये 2 से ये भी मल्टीप्लाई। अब ध्यान दो कि LHS में जो आपने निकाला है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का वैल्यू, वो RHS के वैल्यू के बराबर मिल रहा है। जब ये दोनों मिल रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं नो LHS इक्वल टू RHS, LHS जो है वो RHS के बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर जो आपका था प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। सो बच्चों इसी तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पूरी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर वाइज कर रहे हैं और एकदम एक एक चीज का। सो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि यहाँ पर पूरी पढ़ाई मैथ्स का भी चलेगा, साइंस का और एसएससी सब चलेगा। 2023 के लिए ये स्पेशल बैचेस चल रही है। तो चलो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि स्क्रीन पर भी आपका है, जैसा ध्यान दे लो और स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है, हट जाते हैं। तो चलिए अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सॉल्यूशन देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन पहले देखते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। मान लो ए और बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और -5 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 5। पी एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है और वह कंडीशन है ए पी बाय ए बी इक्वल टू 2/5। तो हमें ये कोऑर्डिनेट एक्स और वाई को निकालना है, ठीक है ना, समझ गए क्वेश्चन को। कह रहा है दो पॉइंट को एक लाइन मिला रहा है, जो वो पॉइंट जो मिड पॉइंट है इसको दो भाग में बांट रहा है और जो कंडीशन से बांट रहा है एपी यानी एपी बटे ए बी इक्वल टू 2/5 है। अब हमें इसे सॉल्यूशन करके इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो हम लोगों को एक पता है और आपने पढ़ा है कि मिड सॉरी सेक्शन फॉर्मूला में ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू और पी पॉइंट अगर हो और इसको एम और एन रेशियो में जब डिवाइड करता है तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, एम एक्स वन प्लस एम सॉरी एम दो बार नहीं एन होगा एक्स टू बाय एम प्लस एन, उसी तरह से y का कोऑर्डिनेट है ना, एम एक्स टू एन एक्स एम एक्स वन और एन एक्स टू बाई एम प्लस एन, ये हम फॉर्मूला अच्छी तरह से जानते हैं और इसी फॉर्मूला का यूज करके उसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल देंगे।
तो यहां पर सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्या करना होगा, हमें एपी का फाइंड है, एम मालूम है लेकिन एन नहीं मालूम है, और एम प्लस एन पूरा मालूम हो गया क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए यहां पर ए बी रखो और इसमें माइनस वन घटा दो और टू बाई फाइव माइनस वन घटा, दोनों तरफ माइनस वन घटा दीजिएगा तो आपको मिलेगा एपी माइनस ए बी, ठीक है, या ऐसे घटाते हैं उल्टा घट गया है तो एक काम करते हैं पहले घटाते हैं वन माइनस कर देते हैं वन माइनस और इस साइड भी वन माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो ये सॉल्यूशन गया, आसान हो गया, ए बी यहां पर ए बी माइनस ए पी हो गया और ये फाइव माइनस टू ऊपर मिलेगा, ठीक है। अब इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो देखो ए बी में ए पी घट रहा है, ये बड़ा ए बी में से ए पी घटेगा तो छोटा वाला पार्ट मिल जाएगा जो हमको मालूम करना था, बी पी बाय ए बी इक्वल टू थ्री बाई फाइव। अब देखो यहां पर क्या हो गया कि ए पी का जो वैल्यू हो गया वो मेरे पास थ्री के मिल गया, और हाँ ए पी का वैल्यू थ्री मिल गया, और एक मिनट एक मिनट, ए बी माइनस ए पी तो बी पी ना बचे लिखेंगे हम लोग, तो यहां पर बी पी है, देखो ये है बी पी, बी पी का वैल्यू कितना हो गया थ्री, और ए पी का वैल्यू तो ऑलरेडी मालूम था टू के, ठीक है। अब पूरा ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता फाइव के, ऐसे भी थ्री टू प्लस फाइव हो जाता है। तो चलो अब हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना आसान हो गया, पहला कोऑर्डिनेट अगर एक्स का निकालोगे तो हमारे पास ए, देखो यहां पर ध्यान दो बी पी दिया हुआ है थ्री, ठीक है, और ए पी दिया हुआ है आपका टू, ठीक है, ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, कोऑर्डिनेट ये एम मान लो, ये हमारा पार्ट, इसको हम लोग एम मानते हैं और ये पार्ट को एन मानो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टू इंटू, आप देखो टू इंटू एक्स जब हम ले रहे हैं तो एक्स वन, एक्स वन कितना है फोर, प्लस एन एक्स टू, एक्स टू कितना है वो भी मेरे पास फोर ही है, दोनों फोर ही फोर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डिवाइड टू, एक मिनट, एन के जगह पर मेरे पास कितना है ये वैल्यू, एक टू है तो एक थ्री होगा, थ्री है, तो ये हो गया फोर टू जा एट और फोर थ्री जा ट्वेल्व बाई टू, ट्वेंटी बाई टू, ये कैंसिलेशन, तो कितना आंसर आ गया टेन आ गया। एक्स का कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो गया है, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को अब तो समझ चुके हैं तो इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे आगे सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चे, तो यहां पर अभी वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लोग टू इंटू फाइव प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव बाई थ्री टू फाइव, यहां पर भी तो रॉन्ग जरा सा हो गया, वो मिस्टेक क्या हो गया कि यहां पर हम लोग जोड़ते हैं तो तीन और दो कितना हो गया ये पांच, ये तो आपको आठ प्लस बारह बटे पांच यानी बीस बटे पांच, ये कोऑर्डिनेट चार निकल गया एक्स का वैल्यू। यहां पर सॉल्यूशन कीजिएगा फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन बाई फाइव, वाई का वैल्यू माइनस फाइव बाई फाइव, कैंसिलेशन वन बाय, तो ये माइनस वन, तो P का जो रिक्वायरमेंट कोऑर्डिनेट निकला वो फोर और माइनस वन है, ठीक है ना। इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन को, सॉल्यूशन किया। तो देखो इस बार जो क्वेश्चन है वो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इतना याद रखोगे इसको हमें जब तक बेसिक अच्छी नहीं होगा तो वो आपको समझना या सॉल्व करना आसान नहीं होगा। तो चलो हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि सही इंफॉर्मेशन आपको एस मल्लिक जीएस सेंटर में मिलता है और एनसीईआरटी घर में आपको पूरी तरह से पढ़ाया जा रहा है। सो हमारे भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और इसी से हम क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है जरा सा इसको हम चेंज करते हैं मार्कर ताकि आपको समझने में आसानी होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है इफ ए एंड बी, ठीक है, आर
माइनस टू एंड माइनस टू एंड टू माइनस फोर रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी कोऑर्डिनेट ऑफ पी such that AP इक्वल टू दिया हुआ है 3/7 AB। इस क्वेश्चन को आप अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। इसी तरह से अभी हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था और यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा वो हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब करने बढ़ोगे तो यहां ध्यान दो कि आपका दिया हुआ है क्या भाई AP, ठीक है, बट 3/7 AB दिया हुआ है। सॉल्यूशन करो तो 7 AP इक्वल टू 3 AB दिया हुआ है ना, 3 AB पूरा दिया हुआ है। इसको अगर आप समझो तो इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए आपका वैल्यू -2 एंड -2 है, बी का कोऑर्डिनेट 2 और -4 है, आपको ये पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्वेश्चन में AP बटे या AP का वैल्यू जो है 3/7 AB दिया हुआ है। तो ये यहां तक आप समझ गए हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 AP 3 AB को आप तोड़ के लिख सकते हो AP+BP, इसको तोड़ दो AP+BP, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन करोगे तो 7 AP 3 AP+3 BP आ जाएगा, ठीक है। अब इसे आप इस तरफ ले आइए तो यहां पर 7 AP-3 AP = 3 BP आ रहा है। इसे सॉल्यूशन करोगे तो 4 AP मिलेगा और ये हो गया 3 BP। अब इसे आप सॉल्यूशन करोगे तो AP/BP इक्वल टू आएगा 3/4। तो हमारे पास एक रेशियो मिल गया है, AP का वैल्यू 3 है और BP का वैल्यू आपके पास 4 है। अब आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है जो X और Y होता है। X कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये मेरा AP का वैल्यू मेरा 3 निकला हुआ है और BP का वैल्यू मेरे पास 4 मिला है। तो अब हम लोग क्या करें, इसको सॉल्यूशन करते हैं। M चलो कहीं भी करो, 3 -MX1 MX2 यानी 2+4 × -2 और 4 और 3 7। इसे सॉल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो गया 8/7 - 2/7। दूसरा कोऑर्डिनेट अगर आप निकालते हो, y का कोऑर्डिनेट अगर आप निकालोगे तो उसी तरह से आप करो 3 × 3 − 4 और 4 × -2/7। ये y हो गया, ये 12 आपको मिलेगा, यहां पर 4 × 2 = 8 = 7 -20/7। इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। सो गाइस, यहां पर अभी एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, ये मुझे याद आया कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे देखे थे हम, जिसे सॉल्यूशन करना मैं चाह रहा हूँ। NCERT बुक्स में नहीं मिला था, ये तो रेफरेंस बुक है, वहां है, मैं देख लूँ जरा सा। सो यहां पर आपने देखा है कि दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो मेरा फाइंड आउट हो चुका है, यानी इस कोऑर्डिनेट को आप लिख सकोगे। पहले तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास हो गया, लेकिन अभी इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एरिया बनाने निकलेंगे। एरिया भी एक चैप्टर है जिसको बनाना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, वो हमारे पास ABC है, ठीक है। ABC नहीं दिख रहा है तो चलो पहले इसको रफ कर लूं, तो मैं एरिया बताता हूं आपको।
चलो तो इसको रफ कर लिया जाए और एरिया की ओर हम बढ़ते हैं। कल मैंने देखो एरिया के बारे में, जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन, हम अलग क्वेश्चन है ये, और मान लो एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 a का कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, b में x2 y2 दिया हुआ है और c में x3 और y3 दिया हुआ है। अगर इसका एरिया निकालने बोलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ तो होगा x1, ठीक है, y2 माइनस y3 x2, ठीक है x2 होगा और y3 माइनस y1 और x3 होगा, ठीक है x3 के बाद y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। यहां पर आपको इतना सोचेंगे कैसे याद रखेंगे, तो सबसे अच्छा तरीका है 2, ठीक है 1 बाई टू और 123 कर लो, ऐसा 123 प्लस 231 प्लस 312, ठीक है। ये चीज तो दिमाग में इंसान का बैठ ही जाता है कि हमें माइनस करना होता है, एक बार देख लोगे तो। अब इसमें देखो कैसे करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, जितना पहला डिजिट है, पहला डिजिट 1 2 3, तो ये x1 को डिनोट करेगा, ये x2 को और ये x3 को डिनोट करेगा, ठीक है। अब यहां पर से भी मैं बता दूं आपको कि अब 2 और 3 है तो 2 और 3 को आप डिनोट y से करेंगे, सेकंड नंबर वाला को y से कीजिएगा और यहां वाला y से। इससे क्या होगा कि आप y2 माइनस y3 कर लीजिएगा, y3 माइनस y1 कीजिएगा, y1 माइनस y2 कीजिएगा, तो फॉर्मूला निकल जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन में आएगा, इसी तरह का आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसमें आपको इक्वल कॉलिनियर पूछा जाता है बहुत सा, कोई इसमें एरिया बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, लेकिन कॉलिनियर पूछा जाता है कि यह तीन पॉइंट देगा ट्रायंगल में, बोलेगा ये कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर के लिए कंडीशन याद रखिएगा एकदम बहुत ईजी से, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो जीरो हो जाना चाहिए, यानी इसका सॉल्यूशन कीजिएगा जो भी कोऑर्डिनेट देगा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो गया इसका मतलब ये ट्रायंगल बना ही नहीं है, तो एरिया कैसे निकलेगा। यानी तीनों पॉइंट, कॉलिनियर का मतलब होता है कि दो तीन चार जितना भी पॉइंट हो वो सभी एक लाइन में अगर आ जाता है तो वो कंडीशन कॉलिनियर के लिए होता है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ और बच्चों को मदद करो, यहाँ पर फ्री एजुकेशन आप सबको मिल रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।